आपके सामने प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड का घुड़सवार दस्ता। राष्ट्रपति को सलामी दी उनके दस्ते ने। ये सारी कार्रवाई अभी राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में हो रही है। मतलब अब से थोड़ी देर के बाद वो परेड स्थल अभी परेड स्थल के लिए रवाना होंगे। तो अभी राष्ट्रपति के लिए और हमारे जो प्रमुख अतिथि हैं वो भी साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, उन दोनों की इज्जत में, उनके शान में, उनके आदर में उन्होंने उन्हें ये सलामी दी। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री कुछ ही दूर हैं, अभी अमर जवान ज्योति से आने वाले हैं। और ये काफिला पहुंच भी गया। आपने आने वाले की बात कही और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर तस्वीरों में नजर भी आने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को हम देख सकते हैं, वो गाड़ी में बैठे हुए हैं। निर्मला सीतारमन रक्षा मंत्री चहलकदमी करती हुई, और वो प्रधानमंत्री की उन्होंने अगवानी की, प्रधानमंत्री गाड़ी से बाहर आए। और ये खास अंदाज, प्रधानमंत्री का जो ये खास अंदाज है सर, ये अपने आप में अद्भुत है। जिस तरीके से वो पगड़ी और इस तरीके की वेशभूषा में शामिल होते हैं, कई बार ये भी चर्चा का विषय बन जाता है। भारतीय वेशभूषा एक अनोखी वेशभूषा है, वो सारी चीज़ें हैं। आज का मौका ही इतना खूबसूरत है, इतनी बड़ी जो तीनों सेनांगों, एक 1.3 मिलियन आर्मी का जो नेतृत्व करे, तो हर चीज़ खूबसूरत हो जाती है। भारतीय सेना, नौसेना, नवसेना, ये सारी चीज़ें मिल करके एक ऐसा समा बांधती है कि इसमें आदमी अभिभूत हुए बिना रह ही नहीं सकता। अमर जवान ज्योति, निरंतर जलती हुई ज्योति, बीच में उल्टी राइफल और हेलमेट। प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे, उन्हें उनके स्कॉट्स ने गुलदस्ता दिया, रीत श्रद्धा सुमन दी, प्रधानमंत्री ने नमन किया और पीछे गए। अभी सलामी शस्त्र दिए, शोक शस्त्र दिया, और लास्ट पोस्ट बिगलर्स ने बजाया। ये सारा उन शहीदों के लिए, इनमें से कुछ हैं जिनके बारे में उनके नाम भी नहीं लोगों को पता है, उनके लिए ये सम्मान कृतज्ञ राष्ट्र दे रहा है प्रधानमंत्री की अगुवाई में। शोक सर की मुद्रा में। तो जो तस्वीरें अमर जवान ज्योति कमांडर कार्तिक दास की अगुवाई में जिन्होंने सलामी दी, जी हाँ, अमर जवान ज्योति पर ये श्रद्धांजलि पीएम मोदी यहाँ पर दे चुके हैं। दूसरी तस्वीरें भी कर्नल साहब हमने देखी थी जब अभी राष्ट्रपति राष्ट्रभवन से निकल चुके हैं। अब से थोड़ी देर में वो परेड स्थल पर भी पहुँच जाएंगे। उसके बाद परेड की पूरी जो प्रक्रिया है, जो कार्यक्रम है, वो शुरू होगा। जी हाँ, अभी आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति पर रखी पुस्तिका पे हस्ताक्षर करते हुए, और अभी आप जैसा कह रहे थे कि दोनों तरफ से ये एक एक्टिविटी है जो चारों तरफ चल रही है। आगंतुक पुस्तिका पर हस्ताक्षर करते हुए अपने विचार वो लिखेंगे वहाँ पर, जो उन्होंने देखा, अपनी भावनाएं वहाँ लिखेंगे, और ये मेरे ख्याल से चौथी बार वो लिख रहे होंगे। तो अभी उन्होंने नेवल चीफ से हाथ मिलाया और आर्मी चीफ से हाथ मिलाया, और उसके बाद वो अभी परेड की तरफ रवाना होंगे। तो ये बहुत ही सिंक्रोनाइज मूवमेंट है। आप देख रहे हैं कि उधर रायसीना हिल से भी आ रहे हैं, प्रेसिडेंट आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने ये कर दिया। अभी सारे के सारे परेड स्थल की तरफ रवाना करेंगे। इतना टाइम है कि हर आदमी वहाँ पर टाइम पे पहुँचेगा। प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचेंगे ताकि जब राष्ट्रपति आए तो वो उनकी अगवानी के लिए उपस्थित हों। और कई बार हमने पीएम मोदी को देखा है जो चीज़ें प्रोटोकॉल है उसको तोड़कर भी वो आम लोगों से मिलते हैं। इस बार भी आम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि पीएम मोदी कुछ वैसा ही करेंगे जब स्थल पर पहुंचेंगे। लोकप्रियता है और एक पर्सोना है, उनका व्यक्तित्व है, लोग मिलना चाहते हैं, उनसे मिलते हैं, उन्हें खुशी होती है। तो एक राजनेता में ये गुण होना चाहिए। राजनेता को पब्लिक बनाती है, जनता बनाती है, तो जनता के